हमारे भारत पे उंगलियां उठाएगा, उंगलियां उठाएगा जो हमारे भारत पर, जो हमारे भारत पर उंगलियां उठाएगा, जो हमारे भारत पर उंगलियां उठाएगा, जो हमारे भारत पर उसकी मदरसे वाला खटिया उड़ाएगा। हालांकि प्रोग्राम का असल मकसद यही है कि लोगों की तशनगी बाकी रहे और प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाए हजरत मौलाना सदर बावकार मुफ्ती सुफियान साहब चतुर्वेदी दामन बरकातहू तशरीफ फरमा है। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत, वो नौशाद भाई हो, चाहे रिजवान भाई हो, चाहे गुलाब भाई हो, इमरान भाई हो, शमशाद भाई हो, ये तमामी लोगों का फिर हुक्म हुआ कि दिल खैराबादी कुछ शेर हाजिर कर दीजिए। तो चार चार मिसरे दो तीन हाजिर करके भारत के हवाले से, नाते पाक इस वक्त मैं नहीं पढ़ूंगा, चार मिसरे सिर्फ, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, ये मजमा तो है नहीं और मीडिया वालों का हुक्म भी है कि कुछ ऐसे अशार पढ़े जाएं। मैं ये बतला दूं कि ये हमारे मदारिसे इस्लामिया में जो जलसे दस्तार बंदी का प्रोग्राम होता है, जिनके सरों पर असाज़ा इकराम अपने मुबारक हाथों से दस्तार बांधते हैं, वो दस्तार को आसान मत समझिएगा। ये दस्तार वो दस्तार है कि अगर हमारे हिंदुस्तान के ज़रूरत पड़े तो यही दस्तार वो अपनी कफन बना करके सरहदों पर दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। आइए चार मिसरे पेश करता हूं गुलाब भाई, और तमामी लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक ये चार मिसरे पेश करता हूं। समाज फरमाले आपकी खामोशी बतला रही है कि बिल्कुल सुम्मुम बुकमुम वाली है। इतनी खामोश खामोशी से सुनिएगा तो, और इनकलाब के मैं मिसरे हाजिर करना चाहता हूं, थोड़ा सा जुड़ जाइएगा। मुलाहिजा फरमाले कि जो हमारे भारत पर, हमारे भारत पर, हमारे मैं मेरे भारत नहीं कहा, हमारे कहा, उसमें आप लोग शामिल हैं, हम यहाँ करिएगा। मुलाहिजा फरमाले कि जो हमारे, जो हमारे, जो हमारे भारत पर उंगलियां उठाएगा, 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 उंगलियां उठाएगा उसकी मदरसे वाला खटिया उड़ाएगा, उसकी मदरसे वाला खटिया उड़ाएगा, उसकी मदरसे वाला दर्जिया उड़ाएगा, दर्जिया उड़ाएगा। एक शेर और, नेमतुल्ला भाई, ताजुद्दीन भाई, तैयार रहिएगा इस शेर का इस्तकबाल करने के लिए। मुलाहिजा फरमाले कि मदरसे का हर बच्चा, मदरसे का हर बच्चा बांधेगा कफन सर से,
बाबा देगा कफन सर से। मदरसे का घर बच्चा बांधेगा कफन सर से। मदरसे का घर बच्चा बांधेगा कफन सर से। मदरसे का घर मुल्क के लिए अपनी गर्दन कटाएगा। मुल्क के लिए अपनी गर्दन कटाएगा। गर्दन कटाएगा मुल्क के लिए अपनी गर्दन कटाएगा। एक नज़्म जो आते ही जनाबे मौलाना नेमतुल्ला रहमानी साहब दामत बरकातहू ने कहा कि दिल खैराबादी इसे पढ़ दीजिएगा। उस वक्त इन्होंने याद भी नहीं दिलाया पढ़ने के वक्त। अब वो याद आया है जब चिड़िया दाने चुग गई। आइए अरशद भाई कहाँ है, आप अगली सब में आइए। इसलिए कि बहुत ही अजीब कलाम का इन्होंने हुक्म दिया था और आज के दौर में बिल्कुल ये दौर की अक्कासी करता हुआ मिसरा नजर आएगा। मुलाहिजा फरमा ले, सुनिएगा। मौलाना सुजान साहब, गुलाब भाई, देखिएगा हकीकत के चार कांधे। चार लोग हैं मगर आप थोड़ा सा साथ दीजिएगा।